तो स्टोरी को आगे स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन में अपन ने पार्शियल स्टोरी ली थी, अभी एंड बाकी हम यहाँ से अगेन स्टार्ट करेंगे। आई मूव्ड इजीली अलॉन्ग द बर्थ एंड द फेल्ट ऑफ फॉर द विंडो लेज। द विंडो वॉज ओपन एंड फेस इट मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप। तो वो एक्टिंग करने लगा जैसे कि वो बाहर लैंडस्केप देख रहा हो, बाहर के नज़ारे देख रहा हो। आई हर्ड द पेंटिंग ऑफ द इंजन, तो जो स्टीम इंजन की भप भप की आवाज़ आती वो पेंटिंग, एंड द रंबल ऑफ द व्हील्स, धड़ाधड़ जो आवाज़ आ रही थी व्हील्स की। एंड इन माई माइंड से आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय। और माइंड से जैसे स्टडी कर रहा हो जैसे कि टेलीग्राफ के जो पोस्ट पोस्ट जाते हैं, जो पिलर्स जो जाते हैं, वो बार बार में आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे लग रहा था उसको। हैव यू नोटिस आई वेंचर्ड, उसने थोड़ा जानकारी लेनी चाहिए कि क्या नोटिस किया, दैट द ट्री सीम्स टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। तो वो एक गर्ल से, उस गर्ल से ऐसे क्वेश्चन कर रहा था कि ऐसा लगता है जैसे ट्रीज जो है मूव कर रहे हैं और हम लोग स्टैंड स्टिल हो। दैट ऑलवेज हैपन शी सेड। डू यू सी एनी एनिमल्स, उसने पूछा। नो आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली। आई न्यू दैट देर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देरा। देरा मीन्स देहरादून के पास आसपास कोई फॉरेस्ट में एनिमल नहीं बचे हैं। तो उसने बोल दिया नो, यहाँ कोई एनिमल्स नहीं है। देन आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल फॉर एंड फॉर ए वाइल वी सेट इन द साइलेंस। और थोड़ी देर के लिए वो चुपचाप बैठे रहे। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग। डेयरिंग मतलब थोड़ा बोल्ड होके बोला, आपको बहुत इंटरेस्टिंग फेस है। बट इट वॉज ए सेफ रिमार्क, फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी। शी लाफ्ड प्लीजेंटली, ए क्लियर रिंगिंग लाफ। तो वो एक थोड़ा सेफ रिमार्क इसलिए था कि क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा कुछ इस तरह से नहीं बोला था, इंटरेस्टिंग फेस ही बोला था। तो कोई गर्ल्स इस तरह से रजिस्ट नहीं करती कोई जब इस तरह का कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है तो। एंड शी लाफ प्लीजेंटली, ए क्लियर रिंगिंग लाफ। बहुत अच्छी हंसी थी उसकी। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव ए प्रिटी फेस। तो किसी ने इसको फर्स्ट टाइम इस तरह का कॉम्प्लीमेंट दिया था, बाकी लोग उसको प्रिटी फेस, आपका प्रिटी फेस है करके ही बोलते थे। ओ सो यू डू डू हैव ए प्रिटी फेस, आई थॉट। तो मतलब उसने सोचा, उसने बोला नहीं। एंड अलाउड आई सेड, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी। तो ऐसे बोला। यू आर ए वेरी गैलेंट यंग मैन, शी सेड, बट वाई आर यू सो सीरियस। तो वो बोली कि तुम बहुत ब्रेव मैन हो। गैलेंट मीन्स बहुत ब्रेव मैन हो, बट इतने सीरियस क्यों हो। आई थॉट देन आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली। तो वो हंसना चाहता था बट कुछ सोच के हंसा नहीं। वी शैल बी सून एट योर स्टेशन, वो बोला। आई सेड थैंक गुडनेस, इट इज़ अ शॉर्ट जर्नी, आई कॉन्ट बियर टू सिट इन द ट्रेन फॉर मोर देन 2 to 3 hours। तो बोली पे कुछ ज़्यादा लंबी जर्नी पसंद नहीं है। येट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट डाउन सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग। हर वॉइस हैड टू स्पार्कल ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम, द हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम। तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी वॉइस जो थी माउंटेन की जो स्ट्रीम बहती है वो जैसे कल कल करके बहती, वैसी उसकी आवाज़ थी। एंड एज सून एज शी वुड लीव द ट्रेन शी वुड फॉरगेट आवर। ओके, फॉरगेट आवर ब्रीफ इनकाउंटर, जो हमारी मुलाकात हुई है वो शायद वो भूल जाएगी। बट इट वुड स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर द सम टाइम आफ्टर, बट बाकी की जर्नी में और कुछ टाइम तक ये मुझे वो याद रहेगी, हमारी जो मुलाकात हुई वो याद रहेगी। द इंजन विसिल सिकर्ड, द कैरिज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिम रिदम्स, एंड द गर्ल गॉट अप एंड बिगन टू कलेक्ट हर थिंग्स। तो अभी ऐसा लग रहा था कि जैसे इंजन ने विसिल दी है और जो व्हील्स जो थे वो रुकने, मतलब ऐसे ब्रेक लग रहे थे उसमें, और साउंड उनकी चेंज हो गई थी। तो गर्ल छूट गई और अपनी चीज़ें इकट्ठी करने लगी। आई वॉन्टेड इफ़ शी वोर हर हेयर इन अ बन और इफ़ इट वॉज ए प्लेट प्लेटेड। तो वो सोच रहा था उसने कौन सी हेयर स्टाइल लगाई होगी, बन बनाया होगा कि प्लेटेड्स होंगी। पर हैव इट वॉज ए हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर, हो सकता है कि वो खुले बाल भी हों, और वॉज इट कट वेरी शॉर्ट, और छोटे बाल भी हो सकते हैं। द ट्रेन ड्रू स्लोली इन टू द स्टेशन आउटसाइड एंड देर वॉज ए शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स। तो कूली और जो सामान बेचने वालों की उनकी आवाज़ें आने लगी, ट्रेन रुक चुकी थी। एंड ए हाई पिच फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर, और एक हाई पिच वॉइस जो मतलब ज़्यादा
तेज़ आवाज़ आई थी कैरिज डोर के आसपास से। दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट, और उसको ऐसा लगा कि आंटी की आवाज़ होगी। गुड बाय द गर्ल सेड, एंड शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग। उसको टेंटलाइजिंग कर रहे थे, मतलब वो एकदम उसको थोड़ा एक्साइट कर रहे थे। आई वॉन्टेड टू, इस टेंटलाइजिंग का मीनिंग भी यहाँ दिया, आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर बट शी मूव्ड अवे, बट वो चली जा चुकी थी। बट ओनली द सेंट ऑफ द परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड, लिंगर्ड मतलब वहाँ तक अभी रह गई थी उसकी परफ्यूम की खुशबू। वेयर सी हैड स्टूड, देर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोर वे, ए मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट स्टैमर्ड एंड अपोलॉजी। तो कुछ कन्फ्यूजन लग रहा था डोर में, कोई आदमी आया था और थोड़ा स्टैमर किया और थोड़ा अपोलॉजी मतलब सॉरी बोला उसको। देन द डोर बैंग एंड द वर्ल्ड वॉज शट डाउन, शट आउट अगेन, और डोर एकदम बजा धड़ाम से, बंद करने की आवाज़ आई और फिर से वही उसी की दुनिया में जो अंधेरा छाता था वो बंद हो गया। आई रिटर्न टू माई बर्थ, द गार्ड ब्लू हिज विसल एंड वी मूव्ड ऑफ। वंस अगेन आई हैड ए गेम टू प्ले एंड ए न्यू फेलो ट्रेवल, और नया ट्रेवलर आ गया था। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग्स एंड द कैरिज ग्रोंड एंड शूक। तो कैरिज जैसे हिलता ना चलने के टाइम में, वो ऐसे गड़गड़ आवाज़ आ रही थी और चल रहा था, हिल रहा था। आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन द फ्रंट ऑफ इट, स्टेयरिंग इनटू द डेलाइट दैट वाज डार्कनेस फॉर मी। ओके, सो मैनी थिंग्स आर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, इट कुड बी फैसिनेटिंग गेम गेसिंग व्हाट वेंट ऑन देयर। तो बाहर कुछ बहुत कुछ हो रहा था बट उसके लिए सब कुछ साइलेंट ही था। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इन टू माई रिवरी, जो वो ख्यालों में खोया हुआ था, तो वो अभी उसमें से, जब उसमें दूसरे में आदमी ने कुछ बोला तब वो उसमें से बाहर आया। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड, आई एम नॉट नियरली एज एक्टिव ए ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु हैज़ जस्ट लेफ्ट। तो तुम डिसअपॉइंटेड हो गए क्योंकि मैं इतना बढ़िया अट्रैक्टिव ट्रैवलर कंपेनियन नहीं हुई जितनी वो अभी गई थी, वो जो गर्ल गई थी वो थी। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड, कैन यू टेल मी डिड शी केप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, क्या बता सकते हो उसके हेयर लॉन्ग थे कि शॉर्ट थे। आई डोंट रिमेम्बर ही सेड साउंडिंग पजल, थोड़ा उसको सरप्राइज हुआ कि क्यों ऐसे पूछ रहा है। इट वॉज हर आइज आई नोटिस, नॉट हर हेयर, उसके मैंने आइज नोटिस किया, नॉट उसकी हेयर को नोटिस नहीं किया। शी हैड ब्यूटिफुल आइज बट दे वर ऑफ नो यूज़ टू हर, बट कोई यूज़ नहीं था। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, डिडेंट यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस नहीं किया वो ब्लाइंड थी। तो देट वॉज़ अ शॉक टू द राइटर और टू द कंपेनियन, जो हमारा राइटर है, राइटर मतलब जो राइटर का करेक्टर है, कि वो भी ब्लाइंड थी उसकी तरह, एंड ही हैज़ नेवर नोटिस बिकॉज उसकी टॉक से भी मालूम नहीं पड़ रहा था कि वो ब्लाइंड है, और ये खुद भी बताना नहीं चाह रहा था कि ब्लाइंड है। तो दैट वॉज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंड होप यू लाइक दैट चैप्टर एंड दैट वीडियो। प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।